घर के बाल हुआ कैसे तो, तुमने मुझे बता रहे कैसे कैसे हुआ था जब मेरा बेबी नहीं हो रहा इनके अगर दोस्तों आप सब कैसे हो, आई होप आप सब ठीक हो, आपकी दोस्तों हम सब भी एकदम बढ़िया है। तो आज हम करने वाले हैं पुरानी पुरानी अपनी यादें जो कि ताजा करने वाले हैं, क्योंकि मैंने मम्मी को बोला मम्मी मैं आपको ना फोटो दिखाऊंगा, जो पुरानी फोटो है ना उसमें हम मम्मी के बारे मम्मी से पूछेंगे मम्मी की फोटो कैसी थी, कब की थी, क्या इसके पीछे मकसद था फोटो खींचने का, तो वो पूछेंगे। और वो पुरानी पिक्चर है, तो मैंने मम्मी को दिखाई नहीं थी कि मैंने खुद ही सिलेक्ट करी है, तो मैं मम्मी को मैं दिखाऊंगा और मम्मी से तब रिएक्शन हो मम्मी का क्या रिएक्शन है। ठीक है, हम स्टार्ट करें। और दोस्तों सबसे पहली बात, थैंक यू सो मच, मेरे 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बोल रहा हूँ ना थैंक यू सो मच दोस्तों, मेरे 7000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं, बस ऐसे ही प्यार करते रहिए और मैं आगे ऐसे बढ़ता रहूंगा और आपके लिए वीडियो लाता रहूंगा। ठीक है, तो आप पहले रिएक्शन लेते हैं। ठीक है मम्मी, फोटो देखी नहीं है, सच बता दो। ठीक, सबसे पहले फोटो जो है वो है ये वाली, ये साहिल की है। जैसे कि साहिल है जो कि मेरा भाई है, आप देखा होगा वीडियो में, और ये रो रहा है, हैं? हाँ। किस बात में रो रहा है कि पता है? हाँ। किस बात में रो रहा है? इसने कोई चीज लेनी थी इसलिए रो रहा है। ये किसी की बर्थडे पार्टी की है, साक्षी का बर्थडे था। अच्छा, तब की है ये, रो क्यों रहा, क्या चीज लेनी थी? टोपी। टोपी कुछ भी कुछ को नहीं पता भाई, क्या पीछे इसकी स्टोरी क्या है मम्मी? अरे इसने टोपी लेनी थी बर्थडे की। अच्छा, वो साक्षी के पास थी। हाँ। इसलिए ये रो रहा था, मैं टोपी लेनी है। ओहो, क्योंकि ना जो मेरी कजन है ना, तो उसका 3 को पड़ जाता है, मेरा भाई का 4 को, तो वो साथ में सेलिब्रेट करते, क्योंकि उस टाइम थोड़ा हमारी कंडीशन खराब थी तो हम सेलिब्रेट करते नहीं थे। तो अब नेक्स्ट पिक्चर लेते हैं, ये किसकी है? ये केक की है। केक की, तो मुझे भी दिख रहा है केक है किसके बर्थडे का केक है? ये तेरे बर्थडे का केक है, जो कि मेरा फर्स्ट बर्थडे था ना। हाँ। दोस्तों ये मेरा फर्स्ट बर्थडे का केक था और ये हूँ मैं, आप देख रहे हो नीचे में पिक लगी है, ये मैं हूँ ना। हाँ। और मेरा केक देखो कितना बड़ा केक है, जो कि फर्स्ट है मेरा केक, और मेरा नाम विक्रांत है, यहाँ पे लिखा इसमें तुम 2000 लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ मैं भाई डेट ऑफ बर्थ तो 199 है, गलत हो गई थी, तुम्हें जिंदगी बड़ी गलतियां की है। तो हम नेक्स्ट फोटो लगाते हैं दोस्तों, ये मम्मी कहाँ की फोटो है? ये हरिद्वार की, और जो कि इसे मम्मी डर रही है और मैं हंस रहा हूँ, मेरे को देख रहा है कि मैं कैसे स्माइल कर रहा हूँ और मम्मी कैसे घबरा रही है, क्यों? ट्रॉली में है वो, तो ट्रॉली में क्यों ऐसे हो रहा है, और मैं कितना क्यूट लग रहा हूँ यार, तो इस फोटो में ज्यादा मजा नहीं आया। हाँ। मैं बहुत क्यूट था पहले इतना। हाँ, क्यूट था। अरे नेक्स्ट फोटो दोस्तों आप कहते हैं नेक्स्ट फोटो, मम्मी सीरियस हो जाओ यार, हद है। आप दोस्तों नेक्स्ट फोटो, ये कौन है? ये मेरे पापा हैं। और ये साथ में कौन है? इनको तो मैं जानता नहीं। ये तेरा बाप है, गजब बेइज्जती है। ये दोस्तों मेरे नाना जी हैं, जो कि हम डैडी बुलाते हैं, हमें डैडी बुलाया शुरू से ही, तो ये मम्मी डैडी पापा, और ये जो इनका घर है कि बहुत पुराना घर है, इसमें पैदा हुए थे ना आप? इसमें पैदा हुए थे, इसमें शादी हुई थी और मैं यहीं पे पैदा हुआ था ना। तो ये जो है पुरानी कितनी पिक है, मेरे होने से बाद की पिक है कि पहले की पिक है? पहले की पिक है ना। और ये फंक्शन की चीज का हो रहा है? लोहड़ी हो रही है तेरे मामा की। मम्मा की शादी थी पहली लोहड़ी। दोस्तों ये लोहड़ी की है, लोहड़ी होती है, लोहड़ी होती है। ये कौन है भैया? ये तेरे दादा दादी है। ये मेरे दादा दादी है और ये बीच में बैठा जो मेरा फर्स्ट बर्थडे था ना, तो ये तब की पिक है ना। ये मेरे दादा है और ये मेरी दादी है। अच्छा, लस्सी से नाती थी। अच्छा, साबुन नहीं लगाती, लस्सी से नाती थी। अच्छा। दूध घी हमारे बहुत था। अच्छा, लस्सी से कैसे नहाते थे? पहले लस्सी को अपने सरपों में बैठ लिया। हाँ। फिर नहाती, जैसे साबुन लगाते हैं वैसे लस्सी लगाई थी। घुसमैल नहीं आती थी ना। दोस्तों ये मेरी दादा दादी है, अभी देखे उनके पास डेथ हो गई थी ना, 2 साल में मेरी डेथ हो गई, 2 साल में जब मैं हुआ तब डेथ हो गई थी उनकी। और ये मेरी फर्स्ट साइकिल, हमें इसके बारे में स्टोरी बताओ कि साइकिल किसने दी, कब आई, कैसे आई? ये तेरे बर्थडे में दी थी साइकिल, और तेरे मामा ने दी थी फर्स्ट बर्थडे में। हाँ। तो दोस्तों ये मेरी फर्स्ट
साइकिल है जो मेरे को मिली थी और किसकी साइड से मिली? मामा ने। और ये घर जो पीछे है, घर है ना कि हमारा खुद का घर है जो कि नहीं रहा था, वो जो पीछे का घर देखेगा वो हमारा घर का खुद का घर है। अब नेक्स्ट फोटो है, ये कौन है? ये तेरी नानी है। मेरी नानी और मम्मी है। ये कब की पिक है? ये मामे की शादी की है। अच्छा, ये मामा की शादी की पिक है। उस टाइम हम अमीर थे क्या? जैसे की मेरी नानी है जो की उनकी डेथ हो चुकी, दोनों की डेथ हो चुकी, नानी की दोनों की डेथ हो चुकी है। और पीछे की सारी मेरी मासियां खड़ी है ना। ये डिम्पल मासी भी नहीं, कौन मासी है? डिम्पल है, सिंपल है। और मेरी दूसरी नानी है, ताई जी है मेरी। तो ये दोस्तों बहुत पुरानी पिक है, ये शादरे की पिक है। ये किसकी पिक है? ये तेरे दादा की है, तेरी बुआ है। ये जो फोटो है ये बहुत पुरानी फोटो है एक्चुअली, ये बहुत पुरानी फोटो है। तो मैं आपको बताता हूँ, जो ये बीच में खड़े हैं व्हाइट कुर्ते में, वो मेरे दादाजी है। और जो साइड में चाचा है, कौन है? राजू चाचा है। चाचा है ये मेरा, साथ में मेरी बड़ी बुआ, फिर जो सूट पहन रखे व्हाइट और ब्लैक कलर का वो मेरी बड़ी बुआ है। और फिर जो साड़ी में वो मेरी छोटी बुआ है। और इनके हाथ में कौन है? मेरी सोनू। कौन से? दुबई वाले सोनू भैया? ये सोमन। सोम? अच्छा अच्छा अच्छा, ये मेरी छोटी बुआ का लड़का है, क्योंकि दोनों बुआ के ना लड़कों का नाम सोनू सोनू है। तो ये चांदनी दीदी है, ये चांदनी दीदी है। और ये हमारा चाचा, देखो कितना छोटा चाचा था हमारा। बुआ सबसे बड़ी थी ना, वो सबसे बड़ी थी। पांच बहन भाई है ना, छह है, तीन बहन है तीन भाई है ये। और ये कहाँ की पिक है? दुबई की, पापा की। ये पापा जब दुबई गए हुए थे ये तब की पिक है। ये दुबई की पिक है। और ये भी दुबई की पिक है। ये अच्छी क्लब की है ना, क्लब नहीं घर में बना रखा है, बाहर बना रखा है घर पे। तो ये पापा जहाँ रहते थे वहाँ की है ये ना। और ये कि पापा है मेरे, दुबई गए थे तब की। ये दुबई क्यों नहीं गए पापा? हुआ नहीं था अनमोल, इसलिए मैंने भेजा। मैं पांच साल लेट पैदा हुआ था ना। हाँ। पांच साल बाद पैदा हुआ था, तो इसलिए लोग कहते थे कि बाहर जाके शादी कर लेते हैं दूसरी, तो इसलिए मम्मी पापा ने जाने नहीं दिया। अगर आप इस टाइम पापा अगर चले जाते होते ना, तो हम तो भैया दुबई में होते। बुर्ज खलीफा काउंट दुबई। तो दुबई के जो भी किस्म में लिखा होगा तो वो नहीं है दोस्तों। एनीवेज मेरी वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर पता। अभी अगर देखो नए नए अभी आ रहे हैं यूट्यूब, नई नई मम्मी यूट्यूब बन रही है, तो आप लोग भी सपोर्ट करो मम्मी को। तो मम्मी अपना भी एक न्यू चैनल बनाएगी, ठीक है? क्योंकि मेरा चैनल तो भैया चल रहा है सुपर डुपर हिट आपकी वजह से। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसे लगी तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज उससे पहले मेरे चैनल पे जो नए है और जो नहीं है और जिसे नहीं सब्सक्राइब कर रखा है मेरे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तो दोस्तों अगली वीडियो आने वाली है जल्दी, तो तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। बाय बाय।